वाले को जो करेंगे तो दोनों दोस्त ही हैं वैसे, अच्छा मेरे अच्छा साथ ही रहते हैं, तो उनको बताया, तो मैं बोला था ठीक है मेरे को ऐसा कुछ आता है ना, उनको तो उनको भी रिप्लाई नहीं करना, जगाना नहीं है ना। ना रिप्लाई आपको नहीं करना है। अच्छा, बाकी जो बाकी कॉन्टेक्ट है पूरे फोन में वो अपने तो नहीं जाएगा? ना नहीं जाएगा। कुछ मैंने सुना ये सभी बनाते हैं एडिट करके, ना तो वो नहीं कर पाएंगे आप, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा, मैं आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आपने बहुत सारे एप्लीकेशन से लिया। हाँ बहुत सारे, 2022 में अब हमको कोई एप्लीकेशन लोन देता नहीं है ना। बिल्कुल सही बात है। हाँ हाँ अब देखिए अभी भी चाह सकते हैं तो अभी आप लोन ले सकते हैं, क्योंकि आपका रिसेंटली मुद्दा है, समझ गया है, मतलब कि अभी आप चाह सकते हैं ना। आवाज आ रही है आपको? कम आ रही है आवाज? हाँ तो एक मिनट रुकिए, अब आएगी ज्यादा आवाज आपको। हाँ देखिए देखिए अब क्या है ना, अभी मतलब कि आपका रिसेंटली मुद्दा है, समझ गया है, तो थोड़ा लेट हो जाएगा ना आपका, तो आपको लोन देगा ही नहीं सर। आप अपना ओरिजिनल भी कॉन्टेक्ट लिस्ट डाल दीजिएगा ना, चाहे पैन कार्ड आधार कार्ड डाल दीजिएगा, तब पर भी आपका रिजेक्ट ही करेगा सर, बोलेगा कि भाई नहीं चाहिए, रहने दो, नहीं ब्लैकमेल करेंगे आपको। ना ना नहीं डालेगा, कहाँ से डालेगा, रिपेमेंट करना ही नहीं, 1 रुपए देने की जरूरत ही नहीं है उसको। तो मतलब वो ये लग, नहीं डालेंगे तो अकाउंट में नहीं डालेगा? ना नहीं तो डालेगा। बिल्कुल वही मेरा आपसे वीडियो देख रहा था अभी, थोड़ा सा थे पैनिक में, तो मैंने अभी मेरे साथ में साथी थे उनके साथ हुआ था, तो उनको फोटो वोटो गया था, देखो जब तक बोलता है कि तुम्हारा कैसे ऐसे कोई बोल सकता है कि नहीं जाएगा। मैंने बोला बिल्कुल 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 ना ना कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये फोन ऐसे नंबर मुझे बंद नहीं करना था क्योंकि बहुत नंबर हो गए थे इस पे, और बहुत व्हाट्सएप और ऑलरेडी बहुत पहले की कुछ एप्लीकेशन ये वो उसमें सब कुछ ना कुछ आते रहता फोन, तो मैं सोचा था बंद नहीं कर सो, तो ये व्हाट्सएप बंद हो जाएगा और ये फोन लोग अगर मैं रिसीव नहीं करूंगा साइलेंट पे तो किया हुआ है फोन। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, साइलेंसर लगा दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ व्हाट्सएप पर सबसे ज्यादा करता है ये लोग। देना ही गलत बात है बस। बिल्कुल देना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात। हाँ हम भी मतलब ये हो गया था मेरा भी, समझ गया है, तो वो सारा चीज हम तो जान गए, हम तो उतना हम तो डरते नहीं है भाई, हम तो समझ गए, 2 मिनट में वीडियो बनाते हैं हमको तो पता चल गया। वंडर लोन एप्लीकेशन था वो, वंडर लोन कर एप्लीकेशन चल रहा था, उसके 1 मिलियन डाउनलोडर था, समझ जाइए, 1 साल से एप्लीकेशन था वो। वो तो भाई किसी को भी उस पर भरोसा हो जाएगा कि भाई NBFC एप्लीकेशन है कि नहीं, 9,500-12,000 पैसा देता था, 20,000 मांगता था पैसा। ना 1 भी रुपया नहीं दिए थे, हम सब रख लिए थे पैसा। बिल्कुल हाँ हमको कॉल किया था, कॉन्टेक्ट लिस्ट में भी कॉल किया था। हाँ DPUP लोगों का मतलब कि जो लोग DP एवरीवन करके रखे थे, प्राइवेसी नहीं डाले थे, उनका स्क्रीनशॉट ले लेकर न्यूट बना रहा था, बनाओ हमको क्या मतलब है भाई। अच्छा, वो मैंने ना ये किया था कि जैसे ही पता चल गया था मुझे कि ये 7 तारीख होने वाला है, तो मैंने अपने विषय में सबके रिपीट करवा दिए। बहुत बढ़िया काम किया है। तो अभी मतलब मैं जब रिपेयर नहीं करूंगा तब ही लोग व्हाट्सएप पे DP ढूंढेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जिस दिन मैंने इंस्टॉल किया था उस दिन तो सबके DP नहीं उठाए मैंने? ना ना उस दिन नहीं उठाया है। हाँ अभी जब मैं नहीं करूंगा तो ढूंढेंगे। हाँ वो ढूंढेगा। तो मैंने तो कम से कम 100 अपने घर वालों को बोला DP उठा दो। और प्लस बट मेरा जाएगा नहीं जाएगा आपसे कंफर्म करना? नहीं जाएगा आपका, टेंशन मत लीजिए आप, जाएगा नहीं। आपने बोला हुआ था कि इतना पेमेंट करेंगे तो डेटा रिमूव हो जाएगा? बिल्कुल 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 नहीं जाएगा आपका। अपडेट आप करते रहिएगा व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर ही, हाँ चाहे दूसरा नंबर होगा तो दूसरे नंबर से बताइएगा। ठीक है ठीक है, 2-4 दिन में बवाल खत्म हो जाएगा ना? हाँ बवाल खत्म हो जाएगा सारा चीज। ठीक है ठीक, ओके ठीक है ठीक। चलिए भाई वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आधा अधूरा वीडियो मत देखिएगा, समझ गए ना।
चिली है मसूर। हाँ बोल रहे थे कि थोड़ा मेन नंबर का इशू रहता है, समझ गए ना। मेन नंबर आपका यही है ना, रजिस्टर नंबर। हाँ तो थोड़ा मेन नंबर का इशू रहता है, बाकी आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट हट चुका है। जो ये लोग मैसेज कर रहे हैं इसको इग्नोर कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं तो आप ये भी कर नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं ना कि आपने व्हाट्सएप को 1 वीक के लिए अनइंस्टॉल कर सकते हैं या 5 दिन के लिए। हाँ व्हाट्सएप को डिलीट कर सकते हैं सिर्फ 5 दिन के लिए या 4 दिन के लिए। हाँ अच्छा 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 मतलब बिजनेस वाला व्हाट्सएप है, कोई नो प्रॉब्लम। ठीक है तो मैसेज इग्नोर कीजिए, इसको ब्लॉक कर दीजिए जो मैसेज आया। ठीक है कोई दिक्कत, कॉन्टेक्ट लिस्ट नहीं है उनके पास ना ना, कॉन्टेक्ट लिस्ट आपका डेटा पैन ऑन कुछ भी नहीं है उनके पास। ना क्लिक आपको नहीं करना है, ये लिंक फिशिंग लिंक है। अननोन लिंक पर क्लिक कीजिएगा, मोबाइल हैक होने का डर रहता है। तो 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। ओके 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 मॉर्निंग में वो मेरा था न्यूड फोटो सेंड कर दिया आपको, ब्रेक फोटोशॉप में। हाँ। तो बहुत प्लस टेक्निकल कॉन्टेक्ट भेज दिया। तो मैं पेमेंट करता हूँ उनको, देन आई डिलीटेड द इंफॉर्मेशन इन द ऐप एंड अनइंस्टॉल द ऐप इमीडिएटली। YouTube पे आपका लिंक मिल गया। ओके ओके व्हाट्सएप इसलिए अनइंस्टॉल हम लोग करवाते हैं ताकि मान लीजिए कि डबल टिक लगता है व्हाट्सएप पर, तो वो लोग क्या है ना कि और बार बार मैसेज करते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप आपका एक्टिव पता है ना, तो और जानबूझकर मैसेज करेंगे, सोचते हैं कि भाई। अब होता क्या है ना कि किसी व्यक्ति पर रोज 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 मतलब कि ब्लैकमेलिंग टॉर्चर करना, उस पर काफी ज्यादा ये दबाव पड़ती है, समझ गया ना। वो और ज्यादा इस सोचते सोचते हाँ बस। ओके 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 नहीं है नहीं है नहीं है नहीं वो नहीं है नहीं है ना। तो मैं आपसे यही हाँ हाँ नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ब्लॉक कर दीजिएगा जब भी मैसेज। सीन नहीं करना है आपको मैसेज को। ओके मैसेज को सीन नहीं करना है, डायरेक्टली ब्लॉक कर दीजिए। ओके 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 ठीक ठीक। चलिए भाई वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखते रहिए। हाँ बोलिए बताइए। हाँ बोलिए बताइए भाई क्या चाल। बहुत बढ़िया भाई बताइए। अपना भी ठीक चल रहा है। अच्छा अच्छा अभी क्या कर रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड का नहीं बात कर रहा हूँ कोई सा, बाकी वो सब ले रहा हूँ धीरे धीरे। अच्छा हाँ। अब बाकी पर्सनल लोन, क्योंकि पर्सनल लोन वही वो भर रहा हूँ, क्योंकि वो लोन आते बहुत है ना। जब से मैं क्रेडिट कार्ड का नहीं भर रहा हूँ, लगभग मेरे हिसाब से SBI का 3 महीना हो गया। और बाकी का भी 1.5 महीना, किसी का 2 महीना, 2.5 महीना ऐसे करके हो गया है। खाली फोन आता है। अच्छा अब मैसेज आता है धमकी भरी कि आज विजिट करने जाएंगे, ये वकील बोल रहे हैं, फलाना बोल रहे हैं। मैं उस पर लिख देता हूँ कि आ जाओ विजिट करने के लिए, कोई नहीं आता है। मैसेज आता है SBI वाला, फोन की थी, बोले थे आप कैसा क्लोज करना चाहते हो आप बताओ, 1,75,000 का है। बोलती आप कैसे क्लोज करना चाहते हैं, मैं बोला मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं क्लोज के लिए क्या बताऊँ। बोलती आप मिनिमम ड्यू कम से कम 10,000 पे कर दीजिए, मैं बोला पैसा उतना रहता तो 2 महीने तक मैं वेट करता, क्या 3 महीने तक मैं भर नहीं देता। सही बात है, सही बात है। आप कैसा क्लोज करना चाहते हैं, आप बोली तो सेटलमेंट का हम कम से कम करवा देंगे। बोला अभी पैसे ही नहीं है, सेटलमेंट करके भी क्या करेंगे, हमको मालूम है इस समय सेटलमेंट का भी उतना अच्छा ऑफर देंगे नहीं ये लोग, अभी करेंगे तो जब अच्छा ऑफर आएगा तब देखेंगे। बिल्कुल अभी करके मतलब ही नहीं, इतना जल्दी अच्छा ऑफर आएगा नहीं। और बाकी और कोई नए कस्टमर में खबर सुनाइए, मतलब घर और
ना तो अभी तो किसी का तो अभी सुनने के लिए ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है कि रिकवरी एजेंट घर पर जा रहा है। मुझे लग रहा है कि हाँ, अभी ना ये जो आरबीआई नियम निकाली है ना नया नया, इसके लिए लग रहा है सब सुधर गए अभी फिलहाल, क्योंकि आरबीआई जो बंद कर दे रही है ना, जो नाटक कर रहा अभी डीएमआई फाइनेंस बंद कर दिया आरबीआई ने, अच्छा, डीएमआई फाइनेंस को आरबीआई कोई एक है तो वही वही चीज है। ना तो कोई अभी बाकी सब चीज ठीक ही चल रहा है मेरा। वो कि मैं भी कई दोस्तों से बात किया, मैं वो तो है डिफॉल्टर। अरे भाई साहब, एचडीएफसी वाले ना, एक मेरा दोस्त है, वो 7 महीना हो गया, 7 महीना से उसका अकाउंट माइनस में जा रहा है, ईएमआई एक भी नहीं भर रहा है, कि वो भी पर्सनल लोन है, एक कॉल तक नहीं आ रहा है भाई, एक कॉल जिसको बोलते हैं, अच्छा, एचडीएफसी का। अच्छा, एचडीएफसी वाला उतना परेशान करते नहीं है ना, इंडिया का सबसे नंबर वन बैंक है ना। हाँ, इंडिया का सबसे नंबर वन बैंक है वो, बैंकिंग सिस्टम है। तो मेरा उसका भी कार्ड है, 85,000 का लिमिट है, इसके लिए मैं बिंदास हूँ एकदम, 85,000 है उसका यूज किया हुआ, उसमें तो मैं एकदम बेधड़क हूँ। जानते हैं सबसे ज्यादा मुझे परेशान कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा कौन? एक ही बैंक है क्रेडिट कार्ड का जो सबसे ज्यादा परेशान है, इन्वेस्टमेंट बैंक का। अच्छा, अच्छा, बिल्कुल 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 फोन ना 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 ना, और एनपी होता है 90 दिन के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरे को क्या बोल रहे थे ना, सुनिए ना, वो सोच रहे थे कि हम नौ सिखवा है, ये नहीं जानते कि हम भी सब वीडियो देखते हैं। तो मेरे को क्या बोल रहे ना कि आप जो है 10,000 रुपया मिनिमम कुछ पैसा डाल दीजिए उसमें, फिर हम आपका सेटलमेंट करवा देंगे। तो मैं समझ गया कि 90 दिन होने वाला है इसका, ये सोच रही है कि एनपीए में ना जाए अकाउंट इसका। भाई मेरा पहले एनपीए में जाएगा तब तो सेटलमेंट होगा, पैसा है ही नहीं, कहते कि पैसा रहेगा तो देने में तकलीफ नहीं है, अरे इतना साल से तो भर ही रहा था ना पैसा, था तो बिल्कुल बिल्कुल कौन भाग रहा था पीछे, सही बात है। जब भाई बिजनेस रुक गया, जो हादसा हो गया, अभी नहीं पैसा तो कहाँ से लेगा कोई, अभी ऐसा तो है नहीं कि जो एक लोन को बंद करने के लिए दूसरा लोन ले, नहीं है तो नहीं है, अभी क्या कर सकते हैं, कोई जान बूझ के तो, हम तो है 7 साल से सब कुछ यूज कर रहा हूँ, कार से लेके लोन से, आज तक एक ईएमआई डिफॉल्ट नहीं हुआ था 7 साल से। लेकिन 7 साल से कंडीशन ठीक था, कंडीशन अचानक खराब हो गया, सबके साथ बुरा वक्त आता है। बिल्कुल, वही उन लोगों को समझाता हूँ मैं, वो समझता है सब, लेकिन ऊपर से प्रेशर होता है ना, वो सबका भी थोड़ा ये है ना, गलती नहीं है, वो भी अपना जॉब ही कर रहा है सब, समझ गए, अब नहीं प्रेशर डालेगा सैलरी नहीं मिलेगा सबका। बिल्कुल सही बात है, सही बात है, वो भी यही है सब। क्योंकि ना सब डिफॉल्ट करना बहादुरी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, डिफॉल्ट करना बेकार हो जाएगा, सही बात, काम गड़बड़ हो जाएगा। जो भरने लायक है उसको भर रहा हूँ फिलहाल, कुछ कुछ है जो आदित्य बिरला वाला है, जो ये सब छोटा छोटा अमाउंट, ये जल्दी खत्म हो जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ इन सबको जल्दी निपटा देता हूँ मैं। जो जल्दी खत्म हो जाएगा ये सबको, ये जल्दी कर दिए ना, तो ये सब पेटीएम वाला ही थोड़ा लंबा है क्योंकि 3 लाख है ना। अच्छा, प्रॉब्लम खड़ा था, छोटा छोटा वाला जल्दी खत्म कर दीजिए, ताकि होगा क्या कि मान लीजिए ना कि इंटरेस्ट तो सब में बढ़ रहा है, ये भी छोटा छोटा भी बहुत खतरनाक होता है, छोटा भी बाद में जाकर पहाड़ बन जाता है। मैं पेटीएम वाला बाउंस किया ना भाई साहब, मालूम है सिर्फ 200 रुपया बाउंस चार्ज मारा, जबकि उसकी ईएमआई है 12,500 की, और जिसका ईएमआई 3600 है ना, उसने 500 का बाउंस चार्ज मारा। मैं बोला वाह, अच्छा बात है, छोटा पहले बड़ा धमाका। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारा पैसा कम है तो ज्यादा ले रहे हो, जिसका ज्यादा बेचारा वो 200 मारा। और ये भी सुनिए, जैसे मैंने उसका
यार 640 रुपया पे किया ना, मतलब 200 रुपया एक्स्ट्रा, वो मेरे को 178 रुपया वापस भी कर दिया, अकाउंट में आ गया मेरे पेटीएम वाला। मैं बोला उससे अच्छा तो पेटीएम ही है फिर भाई, थोड़ा लेट भी होगा तो चलेगा, इसको भरने में तकलीफ नहीं होगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अभी क्या किया जाए, बुरे वक्त में अभी क्या संभलना ही ठीक है, बाकी कुछ गलत कदम उठाना ठीक है ही नहीं। गलत कदम क्या उठाइएगा उसमें, है कि नहीं, सब चीज देख कर चलना है, गलत कदम उठाने से थोड़ा सब चीज होगा। गलत कदम नहीं, सीधा छोड़ दीजिए भाई, लोन ही नहीं देंगे, काम खत्म हो गया। हाँ नहीं ये तो नहीं देंगे भाई, काम खत्म जिसका जिसका है उसका उसका क्लियर कर ले रहे हैं। किसान कार्ड का नाम थोड़ा अच्छा ऑफर में मिलता है, क्रेडिट कार्ड का, और ये पर्सनल लोन वाले साले जल्दी माइनस नहीं करते हैं, पापड़ बेलना पड़ता है, और कार्ड वाले फटाक से कर लेते हैं। वो खुद सामने से एक मेरा दोस्त था, उसका 5 लाख का लिमिट था, 5 लाख यूज किया था, उसको ना बोला कि आप 50,000 ही भरो, मैं क्लियर कर देता हूँ आपका। उसने 50,000 भी नहीं भरा, बोलता है नहीं पैसा दूंगा कहाँ से आपको। 50,000 भी मतलब 5 लाख का 50,000 बोले तो कितना हो गया, 10% ना, 10% तो कैसे क्रेडिट कार्ड वाले कर लेते हैं, 10% 12% हाँ क्रेडिट कार्ड वाला कर लेता है सब, समझ गया, एडजस्ट कर लेता है सब, लेकिन ये सब नहीं करता है। हाँ ये सब नहीं करता, इसके लिए मैं सोच रहा हूँ ये सबको भरो, वो लोग जब करेंगे जैसे ऑफर देंगे, कहीं से पैसा का जुगाड़ करेंगे, दे देंगे उन लोगों को, आएंगे नहीं, अभी अपने रिश्तेदारियों से मैसेज ले लेंगे हम। अरे समझ लीजिए जिसका 1 लाख का है, सब एक साथ थोड़ी ना बंद करूंगा, जिसका 1 लाख का है 15,000 में सेटलमेंट हो रहा है, ठीक है भैया 15,000 का जुगाड़ हुआ ये ले, जब उसका मैं 15,000 क्लियर कर दिया फिर दूसरे का कार्ड मारूंगा, चल भैया तुम भी ले ले अपना, तुम भी क्लियर करो। अच्छा ये एनओसी देते हैं सब क्या, मतलब सेटलमेंट करने के? हाँ एनओसी दे देता है सब, जो एनओसी देगा भाई उसी का करना है, समझ गया ना, अब एनओसी नहीं देगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना। हाँ हाँ एनओसी पहले देगा क्या? पहले तो हमको तो नहीं लगता है देगा, काम हो जाएगा तभी ना देगा। हाँ तो लेकिन मेरे पास हार्ड कॉपी आएगा पहले सेटलमेंट का। हाँ वो आएगा, सारा चीज उसमें लिखित रहेगा भाई कि आप पूरा पैसा हो जाएगा तो एनओसी आपको मिल जाएगा, लिखित उसमें रहेगा, समझ गए। एनओसी नहीं मिलेगा तो बाद में फिर मान लीजिए कोई उठकर आगे रिकवरी एजेंट, तो फिर दिक्कत होता है ना, कंपनी फिर समझती है कि भाई इसके पास एनओसी नहीं भेज दो। हाँ हाँ समझ लीजिए, अगर आपको लेटर मिल गया आपने पे कर दिया, अगर एनओसी नहीं देता है तो उसके ऊपर तो क्लेम भी कर सकते हैं, एकदम क्लेम कर सकते हैं भाई, एकदम क्लेम, क्योंकि भाई सब चीज उसमें लिखित है कि आप पेमेंट कर दीजिएगा तो आपको एनओसी मिलेगा, लेकिन दिया नहीं सर, तो क्लेम आराम से कर सकते हैं। हाँ फिर हम बैंक पे हावी रहेंगे, पहले बैंक हमारे हावी था, हम बैंक पे हावी हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ एकदम, काहे ना, बिल्कुल ना। मुंबई हम आएंगे, समझ गए, इसी महीना में हम आएंगे, टेंशन मत लीजिए, इस महीना में आइए आइए, ठीक है, आपका नंबर सबसे भी है, आपका कोई है कि डायरेक्ट आप आओगे मेरे पास ही आओगे? नहीं दोस्त दोस्त है वहाँ पर, समझ गए, दोस्त है, ठीक है ना, अगर नहीं रहे तो डायरेक्ट मेरे पास भी आ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम देखिए आएंगे, आपसे भी मिलेंगे, उसका टेंशन मत लीजिए, आपसे भी मिलेंगे, बिल्कुल मिलना ही है भाई, नहीं मिलेंगे तो काम कहाँ।